नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आज का अपना जो टॉपिक है ये बहुत ही यूनिक फ्लावर है। ये प्लांट आप देख रहे हैं, ये थोड़ा अनकॉमन है, हर जगह आपको अवेलेबल नहीं होगा, हर नर्सरी में आपको नहीं मिलेगा ऑल टाइम। हो सकता है आप अपनी नर्सरी में बोलें, नाम बताएं और फ़ोटो दिखाएं, तो क्या पता वो आपको कहीं से जुगाड़ कर दें। पर यूं ही आप जाएं और आपको हर जगह मिल जाए, ऐसा नहीं है। ये प्लांट थोड़ा इंडिया में अनकॉमन है, पर हाँ है बहुत ही यूनिक। इसकी ब्यूटी देखिए, देखते ही बनती है। पूरा गोल फूला हुआ अंदर से, देखिए मैं बगल से दिखाता हूँ आपको, कितना सुंदर है ये। आपके गार्डन में, आपके बालकनी में ये फ्लावर ब्लूम करेगा तो इसकी ब्यूटी देखते ही बनेगी। देखिए और भी कलियां आ रही हैं पीछे। इसकी लीफ भी बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारा प्लांट है ये। फ्रेंड्स, इस प्लांट का जो नाम है वो थोड़ा अलग है, अनकॉमन भी है। इसे वैसे तो आप चलती भाषा में झुमकी फ्लावर कह सकते हैं, और कहते भी हैं झुमकी फ्लावर हुआ, नहीं तो इसका इंग्लिश नेम जो है वो एबुसन है। इसको इंडियन मेलोज भी कहते हैं और इसके अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे मराठी में इसको पिटारी कहते हैं, हिंदी में इसको कंघी भी कहते हैं, और बंगाली में पोटारी। इस तरह का नाम जो मुझे अवेलेबल हुआ है थोड़ा सर्च करने पर, मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे आप यदि इस फ्लावर के बारे में जानते हैं, इस प्लांट के बारे में, तो आप कि वहाँ पर क्या कहते हैं जहाँ पर रहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसकी केयर के बारे में बताएं तो इसे डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए, ये थोड़ा इंडोर टाइप का प्लांट है, पार्शियल सनलाइट चाहिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, मिट्टी में आप देख ही रहे हैं, फर्टिलाइज़र अच्छा चाहिए। इसके अलावा ये देखिए, जो फ्लावर्स जो चढ़ाए हुए रहते हैं भगवान के, वही फ्लावर्स इसमें हम डाल देते हैं, जो धीरे धीरे डिकम्पोज होके इसमें फर्टिलाइज़र का काम करते हैं। और मल्चिंग इसको बहुत पसंद है, वैसे प्रायः हर प्लांट्स में ही मल्चिंग करना चाहिए। देखिए पानी इसको, जो ऊपर की सॉइल सूख जाए ऊपर की, तभी ये अब वाटर देने लायक हो गया है। अभी पानी दीजिए जब थोड़ी सूख जाए, वो बहुत ज़्यादा ओवर वाटिंग नहीं चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम इसका बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके अलावा ये है कि बहुत ड्राई भी नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा इन पार्शियल सनलाइट चाहिए इसको। डायरेक्ट सनलाइट में दोगे आप तो इसके पत्ते जो हैं इस तरह से जल जाएंगे। गर्मी में इसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है डायरेक्ट धूप से। इंडोर रखिए इसको, पार्शियल सनलाइट में बहुत अच्छा रहेगा ये प्लांट। और फ्रेंड्स, इसको चाइनीज़ बेल भी कहते हैं, आप इस नाम से भी जान सकते हैं इसको, चाइनीज़ बेल एक नाम इसका और है। और फ्रेंड्स, इसको रेड टाइगर एबुसन भी कहते हैं, बहुत तरह तरह के नाम हैं इसके। और फ्रेंड्स, इसका यही है कि इसमें फर्टिलाइज़र आप हर महीना देते रहिए, काउडंग हुआ या लिक्विड फर्टिलाइज़र हुआ, या जैसे मैंने आपको कहा कि पुराने फूल पत्ती जो होते हैं वही आप डाल दीजिए, मल्चिंग के साथ मिलते रहेंगे तो क्या है कि डिकम्पोज होते रहेंगे, तो ये भी केमिकली इसको रिच करता है सॉइल को। और दूसरा ये है कि देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे इसमें मिली बग्स का अटैक हो रहा है, ये चींटी लोग काम कर रही है अपना, अब इस पर मिली बग्स का अटैक हो रहा है तो वही नीम ऑयल का स्प्रे करना पड़ेगा। बाकी इसकी कोई बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी है, बस इसको डायरेक्ट सनलाइट से बचाना है। बाकी ये बहुत ही लाजवाब फ्लावर है, आप देख सकते हैं इसकी ब्यूटी देखते ही बन रही है।
एकदम अंदर से गोल, एकदम नकली लगता है देखने में। चाइनीज़ लालटेन बोलिए, बहुत विभिन्न विभिन्न तरह के इसके नाम हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया, ये टॉपिक पसंद आया, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन प्रेस करिए, और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको क्या लग रहा है, फिर आपको क्या जानकारी चाहिए इसके बारे में। ये आपके यहाँ पे ये अवेलेबल है, कलर्स में बहुत सारे अवेलेबल होते हैं फ्रेंड्स, बहुत तरह तरह के कलर्स आते हैं इसमें। ऑरेंज है, ये आप देख रहे हैं इसमें लाइनिंग लाइनिंग आई, तो इसको रेड टाइगर कहते हैं। ये प्लेन रेड में, येलो में, वाइट में, ऑरेंज में, इस तरह से बहुत तरह के कलर्स में आते हैं। बहुत सारी वैराइटीज़ है इसकी, वैराइटीज़ की कमी नहीं है। और बड़ा हो कि प्लांट अगर आप ज़मीन में लगाते हैं तो ये बड़ा होकर बहुत झाड़ी नुमा हो जाता है, और उसमें ब्लूमिंग होगी तो इसकी सुंदरता दिखती बनेगी, आप समझ ही सकते हैं। वो तो फिर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।